दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माँ पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ETG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का दिव्य अघोर लक्ष्मी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें पहली बार 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा। इस साधना शिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, फिर चाहे वो व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप इस साधना को प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट विधि के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध सम्मोहन विज्ञान से है। उसका शीर्षक है कि हाँ मैं गर्भस्थ बालक को सिखाता हूँ, हाँ मैं गर्भस्थ बालक को सिखाता हूँ। एक अजीब शीर्षक सुनकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि सम्मोहन विद्या इतनी शक्तिशाली मानी जाती है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो समझते हैं इसकी अहमियत के बारे में। तो सम्मोहन के द्वारा गर्भस्थ बालक को सिखाने की पद्धति है। आपने अभिमन्यु की बात सुनी होगी, अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी कि माता के गर्भ में उन्होंने कुछ विद्याएं सीखी। ये वही पद्धति है। आज तो ये वैज्ञानिक सच्चाई हो गई है कि गर्भस्थ बालक को सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। मैं स्वयं दावा करता हूँ कि आप सीख सकते हैं। आप अपने बच्चे को मनपसंद संस्कार दे सकते हैं। कहने का अर्थ है, एक गर्भवती महिला, डॉक्टर उसे कहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, कहीं उल्टी सीधी जगह पर न जाओ, डरावनी फिल्म न देखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छे अच्छे कर्म करो, इस तरह की बातें डॉक्टर उनको कहते हैं। क्योंकि जो भी गर्भवती महिला के मन में चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी संस्कार बनता रहेगा गर्भावस्था के दौरान, वो बच्चे के मन मस्तिष्क में वो संस्कार बनते ही रहेंगे, वो स्वभाव में आ ही जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे को गणितज्ञ बनाना, साइंटिस्ट बनाना, आध्यात्मिक इंसान बनाना या किसी भी विषय में निपुण बनाना ऐसा चाहते हैं, या और भी किसी भी तरह की मनोकामना हो सकती है, अगर आप बच्चे में वो गुण ज़्यादा मात्रा में देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक विशिष्ट विधि है। उसी का शीर्षक है कि हाँ मैं गर्भस्थ बालक को सिखाता हूँ। इसकी विशेष विधि में ये होता है कि गर्भवती महिला के 3rd महीने से लेकर 9वें महीने तक उस महिला को ट्रांस में ले जाकर यानी सम्मोहन अवस्था में ले जाकर उसे कोई भी विषय की शिक्षा दी जा सकती है। सम्मोहन अवस्था ऐसी होती है जिसमें आपका चेतन मन पूरी तरह से सुप्त हो जाता है और अचेतन मन जागृत हो जाता है, यानी आपका अंतर्मन जागृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो भी आप देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी आपके मन में विचार आएगा, आपके संस्कार, आपके बच्चे के अंदर संस्कार उसी तरीके के बनने शुरू हो जाते हैं। तो सम्मोहन अवस्था में ले जाकर सामने वाले के अंतरात्मा को चैतन्य किया जाता है और फिर उसको भावना दी जाती है। अब उदाहरण स्वरूप, अगर आप अपने बच्चे को गणितज्ञ बनाना चाहते हैं, तो उस महिला को 3rd महीने से 9वें महीने तक सम्मोहन अवस्था में ले जाकर गणित का विषय उनको सिखाएं। अगर आपको गणित के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो उनका जो टीचर होता है गणित का, वो उनको सिखाए।
और वो जो भी उनको सिखाएगा वो उस महिला के सबकॉन्शियस माइंड में कंप्यूटर की तरह बैठना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस महिला को गणित में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, इवन पति पत्नी को दोनों को ही गणित में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन पति पत्नी मिलकर चाहते हैं कि उनका पुत्र गणित में निपुण हो। तो गणित का टीचर आप रखें, और गणित का टीचर रखने के बाद वो सम्मोहन अवस्था में जो भी सिखाएगा उस महिला के अंतर्मन में बैठना शुरू हो जाएगा। समय के साथ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपको महसूस होगा कि बच्चा हर विषय से लेकर, हर विषय में तो सामान्य है जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन गणित में उसकी उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। इसी तरीके से कोई भी विषय, चाहे गणित का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, अध्यात्म का विषय हो, किसी भी तरह का संस्कार अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चे को दे सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए पहला तरीका तो यह है कि आप सम्मोहन अवस्था में सामने वालों को ले जाएं। सम्मोहन तज्ञ जो लोग होते हैं, हिप्नोटिस्ट जो लोग होते हैं, वो आपको मदद एक दिन, दो दिन, तीन दिन कर सकते हैं, पाँच पाँच छः छः महीना मदद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, पति को सम्मोहन विद्या सीखनी चाहिए। जो पति अपने बच्चे में, होने वाले बच्चे में अच्छे गुण देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सम्मोहन विद्या सीखनी चाहिए। ये सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, और ये 10-15 दिन में आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने हमारी वीडियो कुछ देखी होगी, तो 40 वर्षों से हम लोग सम्मोहन सिखा रहे हैं लोगों को, 40 वर्षों की वीडियो भी आप देख लीजिए। कहने का अर्थ ये होता है कि आप अगर किसी सम्मोहन विद्या के जानकार का सहारा लेंगे तो 2 महीना 4 महीना 5 महीना तक उसके पास इतना समय नहीं होगा और ये मुश्किल होगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि पति को सम्मोहन विद्या सीखनी चाहिए, वह अपने पत्नी को सम्मोहन अवस्था में ले जाकर गर्भावस्था में जो भी चीज़ उसे सिखाना चाहें वो सिखा सकते हैं। हो सकता है पति को उस विषय में जानकारी ना हो, तो उस समय पत्नी को सम्मोहन अवस्था में ले जाने के बाद किसी भी टीचर को, चाहे वो मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, किसी भी विषय का टीचर को सामने रखें और उनके द्वारा उनको शिक्षा दें। तो जो भी टीचर पढ़ाएगा, जो भी कहेगा, वो आपकी पत्नी के अंतरात्मा में बैठना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से गर्भावस्था में शिशु को संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे अध्यात्म की ही ना क्यों बात हो, आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट के लिए गर्भावस्था में महिला को भजन, कीर्तन, श्लोक, मंत्र, मंत्र कवच, इस तरह की रेगुलर अगर जाप करवाया जाए तो बच्चे में संस्कार आध्यात्मिक बनने शुरू हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि माता पिता अगर ये डिसाइड करें कि उनके होने वाले बच्चे में ये संस्कार होने चाहिए, तो इस आज के आधुनिक युग में यह इम्पॉसिबल नहीं है, ये किया जा सकता है, ऐसा होता है और ऐसा मैंने स्वयं किया है। प्लस जो सम्मोहन विद्या के जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने यही कहा, अगर किसी सम्मोहन विद्या के जानकार को, किसी हिप्नोटिस्ट को अगर आप हायर करते हैं, उसको आप बुलाकर ये प्रोसेस करवाते हैं, तो 2-4-6 महीना उनके पास समय नहीं मिलेगा। सबसे आसान तरीका है पति को कि उन्हें खुद सीखना चाहिए। 10-15 दिन में ये आप आसानी से सीख लेंगे। आप सीखने के बाद अपने पत्नी में जो भी आपने डिसीजंस लिया है, पति पत्नी मिलकर आप अपने बच्चे में क्या संस्कार देखना चाहते हैं, जो भी संस्कार ज़्यादा देखना चाहते हैं, उस विषय का ज्ञान आप अपने पत्नी को दें। पत्नी को उस विषय पर इंटरेस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी टीचर, जो भी सर उनको सिखाएगा, पत्नी के सबकॉन्शियस माइंड में, अंतरात्मा में वो बात बैठनी शुरू हो जाएगी, और जो भी चीज़ अंतरात्मा में बैठ जाती है वही संस्कार बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं चाहता हूँ कि आप सम्मोहन सीखें और अपने बच्चे में अच्छे गुणों की उत्पत्ति करें, अच्छे गुणों को और बढ़ाएं। तो ये बहुत ही आसान है। और सम्मोहन के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो ये एक ऐसी विद्या है जो किसी भी इंसान के चैतन्य मन को सुप्त अवस्था में ले जाकर अंतर मन को जागृत करती है। क्योंकि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है,
तो उसके अंतर्मन में होने की वजह से ही होती है। हिप्नोसिस ही वो माध्यम है, सम्मोहन विद्या ही वो माध्यम है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति के अंतर्मन में जाया जा सकता है, उसके अंदर के दुर्गुणों को निकाल कर अच्छे गुणों को भरा जा सकता है भावना के द्वारा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल और हास्यपद लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विज्ञान को मानते हैं, जो मनोविज्ञान को मानते हैं, वे मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने बच्चे में जैसे चाहे वैसे गुण बना सकते हैं सम्मोहन का सहारा लेकर। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले कल में सम्मोहन के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप अपने बच्चे में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी चाहते हैं, आप अपने बच्चे को गुणवान बनाना चाहते हैं, तो सम्मोहन का सहारा बहुत ही आसान माना जाता है। आशा है आप इस विधि का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।